केरल के राज्य सरकार और केरल विश्वविद्यालय ने भारत के राष्ट्रपति डीलिट के मानद उपाधि देने से मना कर दिया है। ये वामपंथी और कुंठित मानसिकता का परिचालक है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुलपति केरल विश्वविद्यालय को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को डीलिट की मानद उपाधि देने के लिए लिखा था। कुलपति डॉक्टर वीपी महदेवन पिल्लई ने राज्यपाल को लिखा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय सिंडिकेट को राष्ट्रपति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को डीलिट की मानद उपाधि देने से कोई रुचि नहीं है। वामपंथी हमेशा समाज को शोषक और शोषित में विभेद पैदा करते हो समाज को बांटते हुए देश के प्रथम नागरिक को अपृश्य मान रहे हैं और उनकी बौद्धिकता को कमतर आंक रहे हैं। ये वामपंथी की कुंठित मानसिकता और परिचालक है और ये केवल अप्रेष्यता का मामला नहीं है अपितु समूचे राष्ट्र का अपमान है। वामपंथियों के बारे में कहा जाता है कि जिनके राष्ट्र के प्रति निष्ठा कमतर होती है उन्हें कम्युनिस्ट कहते हैं और ये कहावत केरल के वामपंथी सरकार ने सिद्ध कर दिया है। केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने केरल विश्वविद्यालय के कुलपति को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को डीलिट की मानद डिग्री के लिए लिखा था। केरल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बीपी महादेवन पिल्लई ने राज्यपाल को लिखा है कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय सिंडिकेट को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को डीलिट की मानद डिग्री देने में कोई रुचि नहीं है, साफ साफ मना कर दिया गया। ये वामपंथी जो बुर्जुआ समाज के खिलाफ काम करने का आह्वान करते हैं, ये लोग समाज को शोषित और शोषक के रूप में बांटकर विभेद पैदा करते हैं। वे आज देश के राष्ट्रपति को अपृश्य मान रहे हैं और उनकी बौद्धिकता को कमतर आंक रहे हैं। यह वामपंथियों की कुंठित मानसिकता का परिचायक है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। यह केवल अपृश्यता का मामला नहीं है बल्कि यह पूरे राष्ट्र का अपमान है। वामपंथियों के बारे में कहा जाता है कि जिनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा कमतर होती है उन्हें ही कम्युनिस्ट कहा जाता है और आज केरल विश्वविद्यालय और केरल की वामपंथी सरकार ने सिद्ध कर दिया।